नमस्कार, सीबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। गरीब और विधवा महिलाओं के लिए दिल्ली में एक नए बैंक की शुरुआत की गई है, जिसे अनाज बैंक के नाम से जाना जाता है। इस बैंक से गरीबों के लिए अनाज समेत बहुत सी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। चलिए जानते हैं इस बैंक के बारे में। दिल्ली के राणा प्रताप बाग में गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए सुरेंद्र सिंह जी ने एक नई पहल की। राणा प्रताप बाग में सुरेंद्र सिंह जी ने गरीब महिलाओं के लिए अनाज बैंक की शुरुआत की व मुफ्त में अनाज भी बांटा। इस अनाज बैंक के माध्यम से गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। ये पहल गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस अनाज बैंक का नाम गुरु तेग बहादुर जी अनाज बैंक रखा गया है। इस अनाज बैंक में गरीबों के लिए अनाज के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें मुफ्त में मिल सकेंगी, जिसमें तेल, दलिया, रिफाइंड, नमक, बिस्कुट, साबुन, मंजन, नमकीन इत्यादि इसमें शामिल है। सुरेंद्र सिंह जी का कहना है कि ये अनाज बैंक सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी के लिए बनाया गया है और गरीबों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए इस अनाज बैंक की शुरुआत की गई है। सीबीएन न्यूज से बातचीत में गरीब महिला ने बताया उसे यहां से आटा और अनाज मुफ्त में मिला है। तो इनका शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यहां आटा मिला है, चीनी है, चावल है, दाल है, साबुन है, जो तेल है, हल्दी मिर्च सभी है, मतलब पूरा राशन ही समझ लो। सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर वाले जो नीडेड हो और इसके अंदर विडोज फैमिलीज हों या बीपीएल हों, जो 7-8 हजार से कम के, उसके उनका एक छोटा सा इंटरव्यू 2 मिनट का होता है, उसके बाद उनकी सिलेक्शन हो जाती है और बाबा की कृपा से ये बट रहे हैं। हम तो इसके अंदर कुछ करने के लायक ही नहीं। ये तो जब तक जिंदा हूँ कोशिश है तब तक ये चले। ये प्रोग्राम रेगुलर है, 2 महीने से चल रहे हैं। पहले 15 परिवार थे, फिर 40 हुए, अब 90 हैं आज, अगले बार 150 के करीब हो जाएंगे, फिर उसके बाद 200, 300, 400, दिस इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाबा ने देना है, गुरु तेग बहादुर जी ने, हमने थोड़ी देना। इस तरह के अनाज बैंक से गरीबों की मदद तो होती ही है, लेकिन साथ साथ उनको भोजन के लिए अनाज भी उपलब्ध हो जाता है, जिससे गरीबों की रात भूख से नहीं कटती। सीबीएन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।